नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए टाइगर नागेश्वर राव नाम की फिल्म लेकर आ गए हैं। वामसी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें उनके साथ अनुपम खेर, नूपुर सनन, रेणु देसाई, जॉन अब्राहम, अनुकृति वास, नासर अदु कलम, नरेन भी देखने को मिले हैं और सभी को इस मूवी में रवि तेजा की जो एक्टिंग है वो बहुत ही पसंद आई है। इसमें जो मूवी में संगीत हमें सुनने को मिला है वो जीवी प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है। हरीश टाइगर नागेश्वर राव की कहानी है वो एक वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है और इस मूवी में हमें जो रवि तेजा है वो एक चोर की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और ये फिल्म वाल्टर वेरैया और रावणासुर के बाद एक्टर की ये तीसरी रिलीज फिल्म बन गई है। टाइगर नागेश्वर राव मूवी को 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और इस मूवी को 800 से 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इस मूवी को दर्शक की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और ये मूवी दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रही है। साथ में इस मूवी की कहानी भी दर्शकों को काफी लुभा रही है और ये मूवी तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इस मूवी में जो रवि तेजा है वो टाइगर नागेश्वर राव के किरदार करते हुए देखने को मिले हैं, जो एक चोर का किरदार है और ये मूवी 1970 के दशक पर आधारित है और ये एक प्रसिद्ध चोर टाइगर नागेश्वर राव के इधर गिधर घूमती है, जो कई डकैतियों का मास्टरमाइंड है। फिल्म नागेश्वर राव की बुद्धिमत्ता और वो पुलिस के हाथों से कैसे बच निकलते हैं वो इस मूवी में दिखाया गया है। रवि तेजा की ये मूवी साउथ के साथ हिंदी में भी दर्शकों ने खूब पसंद की है। इसी के साथ इस मूवी ने पहले ही दिन अच्छा कलेक्शन कर लिया है। इस मूवी को दर्शक की ओर से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, आपने मूवी देखी तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे उनसे जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।